स्टेट के रिगार्डिंग जो वीडियो पाइया से वो कुछ एक सवाल ने जरूरी समझ के उन्होंने जवाब दे रहा हाँ। सर एंटिटी वाले पी एस टैट वन या सी टैट वन दे सकते हैं? देखो एलिजिबिलिटी की है एंटिटी वालिया ने फस्ट नी प्री स्कूल वाले पढ़ा है, दैट इज़ वाई जी पहली तो पंजवीं जमात तक पढ़ा है वो डी एल एड ई टी टी या जे बी टी चाहिए है। सो तुसी पेपर दे सकते हो पर तुहानू डायरैक्टली एलिजिबिलिटी लिए फायदा नहीं होना। तुसी बाद विच ई टी टी करते हो तो यह गल वक्री है। सो तुसी एक्सपीरियंस लिए पेपर दे सकते हो, अपीयर हो सकते हो, ये हो सकता है। सर कॉमर्स के स्टूडेंट पी एस टैट पेपर टू बारे दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं कॉमर्स के, क्योंकि कॉमर्स सोशल साइंस है और कॉमर्स वालों का दूसरा सब्जैक्ट जिहड़ा भी है जो इंग्लिश रखते हैं, हिंदी रखते हैं, पंजाबी रखते हैं, मान लो पंजाबी का इंग्लिश रख सकते हैं, फिर वो एलिजिबल बनते ने टी जी टी लिए। टी जी टी लिए पी एस टैट चाहिए है और पी एस टैट है ना तुसी जो फॉर्म फिल करते हो उस कॉमर्स ऑप्शन आती है, स्ट्रीम जो पूछते हैं है ना कॉमर्स ऑप्शन आती है। उस सर आई हैव डन पेमेंट फ्रॉम माई साइड, उन्होंने मेल कर दो, उत्ते फोन नंबर भी है कर भी सकते हो, अदरवाइज़ मेल कर दो कि मेरे आ मैं पेमेंट कर दिती है, उदा प्रूफ नाल भेज दो तो वो सॉल्व हो जाएगी, कुछ अपने बिहाफ से भी प्रॉब्लम नू सॉल्व करनगे। सर बी ए 44% है जनरल की पी एस टैट अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं 44। देखो हुण एक फोन भी आया से पूछा गया सी कि मैं जेडे सब्जेक्ट उन्होंने पढ़े है एस एस टी विच सिर्फ हिस्ट्री शायद पढ़िया है ना, दूसरा सोशल साइंस नहीं पढ़ी, लेकिन बी एड कर रहे हैं अजिही कंडीशन विच पी एस टैट ने तुहाडे नाल कोई लेना देना नहीं है, तुसी आराम नाल भर सकते हो। वो कंडीशन फुलफिल तुसी गवर्नमेंट जॉब की अचीवमेंट लिए करना है, वो साइड बाय साइड चल सकती है। पी एस टैट तुसी आराम नाल दे सकते हो 44% 40%, क्योंकि अलग तो एक प्रोविजन है कि तुसी इंप्रूव कर सकते हो, दैट इज़ वाई तुसी दे सकते हो बेझिझक हो के। सर पेपर मीडियम किस विच आउंदा है? बी एड मीडियम पंजाबी लई है। राजे जिहड़ा पी एस टैट का मीडियम है वो दो बायलैंगुअल आउंदा है, इंग्लिश ते पंजाबी, हर क्वेश्चन इंग्लिश भी छपया होएगा पंजाबी भी छपया होएगा, और इसका मीडियम नाल तुहाडे उहदे नाल कोई संबंध नहीं है। तुसी उच्च पंजाबी रखिया इच इंग्लिश पढ़ते हो, दोनों च पढ़ते हो, कोई संबंध नहीं है। हाँ हिंदी नहीं हुंदा, सी टैट विच हिंदी हुंदी है। सर मैं इस ईयर बी एड की है तो इस तो पहला मैं एम सी ए भी की है। सर की बी एड की है तो एम सी ए की है। सर की दो एग्जाम देने है जां पेपर टू ही? नहीं, तुहाडा बी एड की है, ई टी टी नहीं की। नॉर्मली तुसी तुहानू फायदा जिहड़ा ज़्यादा होना है पेपर टू कर भर के ही होना है। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, दो पेपर दो भरो तुसी फिलहाल, जे ज़्यादा तैयारी है खर्चा खुला है तो दोनों पेपर भर सकते हैं, पर पहले का ता ही फायदा होना है जे तुसी ई टी टी नाल की है, जां पंजाब गवर्नमेंट अलाउ करती है बी एड वालियां नू ई टी टी दियाँ जॉब्स विच कंपीट करन लई। सो पेपर टू आराम नाल भरो तुसी। सर इस बार किहड़े गाइडलाइनज आ? सिर्फ थर्ड जां फोर्थ सैम वाले पेपर भर सकते हैं, फस्ट ते सैकेंड वाले उन्हां दा वैलिड मन्निया जाऊगा? मैं इहदे नाल ही वीडियो पाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट आ एन सी टी ई दा सर्कुलेशन है जो 2020-21 दा है, उत्ते वीडियो पाई है, उहदे विच दस्या है कि सारे फस्ट सैम वाले भी सैकेंड वाले भी सारे ही जिहड़े के अपीयर परस्यू कर रहे हैं बी एड च, डी एल एड च, इंटीग्रेटेड च, स्पैशल एजुकेशन बी एड च एडमिशन लै चुके है ना, कई एडमिशन हजे 2-4 दिन तक होनी है, वह भी उन्होंने भी मैं भरन क्या है। सो तुसी बेझिझक हो के भर सकते हो। सर मेरा 2022-24 बैच से, मेरा पी एस टैट 2023 क्वालीफाई होया है। सर उस टाइम तो मैं सैकेंड सैम विच सी, बी एड दे मेरे 115 मार्क्स सी पी एस टैट विच, कि वो पेपर वै बिल्कुल वैलिड मनिया जाएगा, कोई घबराने वाली गल नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र होकर तुसी अपना अगला एलिजिबिलिटी की तैयारी करो सिलेक्शन टेस्ट की। सर ई टी टी 23-25 मैनेजमेंट केस बारे दस दो प्लीज़। मैं फ़ोन किया करता रहना हाँ, फिलहाल उसका कोई नहीं है अपडेट आया, नवी वो जी है एडमिशन करते जा रहे हैं, सो जे अपडेट होएगा मैं दस दाँगा पता करके भी। सर मेरी बी एड चल रही है, जे मैं हूँ क्लीयर कर ला मैनू दोबारा तो नहीं देना पेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, लाइफ टाइमली वैलिड है, उदे प्रूफ मैं एक वीडियो विच पा दिते ने,
देखण दी जरूरत नहीं है, देख भी सकते हो। हेयर कंसर्न अबाउट मास्टर कैडर जॉब एग्जाम एलिजिबिलिटी एज आई हैव डन बी एड विद मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश विद इलेक्टिव इंग्लिश एंड ग्रेजुएशन मैथ्स और इंग्लिश कर लेने। सो आई विल हैव टू सिलेक्ट मैथ्स एंड साइंस आफ्टर क्वालिफाई पी एस एट आई विल बी एलिजिबल फॉर बोथ मैथ एंड। हाँ जी बिल्कुल, तुसी मैथ एंड साइंस चूज़ करते हो, इंग्लिश लिए तुसी एलिजिबल ही हो, कोई नहीं घबराने वाली गल, बिल्कुल ठीक है, तैयारी करो। बट एग्जाम की लोकेशन किवें पता लगेगी, एग्जाम दी मैं एक पता नहीं लगा, तुसी एग्जामीनेशन सेंटर या की पूछ रहे हो। फिजिकल एजुकेशन वाले बी पी एड का ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है जिहड़ा, फिर तुसी इहमें देखिया नहीं है वैसे। सो तुसी जिहड़ा फिजिकल एजुकेशन नाल रिलेटेड तुहाडा ऑप्शन है तुसी फिल कर दो, कोई भी प्रॉब्लम बाद च नहीं आउंदी, सर्टिफिकेट आंदा है, तुहाडा पेपर अच्छा होना चाहिए, ये चीज़ा गवर्नमेंट जॉब वाले तुहाडे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं, जो बी पी एड है तुहाडे को बी पी एड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इत्थे। सो तुसी नाल दा ऑप्शन भर दिओ जे मैच करता है, नहीं है तो मैं फोन कर लो 8427458843 ते। कैन आई नाउ गैट एडमिशन इन बी एड और आई हैव वेट फॉर नैक्सट सैशन। हैलो सर, मैं थोड़ा पुराना केस नहीं पता, सो मैं दा उत्तर नहीं दे सकता, दोबारा फोन ते पूछ लियो। सर परस्यूइंग ते करन दे बाद पासिंग ईयर 2025 लिखना है या 24? देखो परस्यूइंग तो बाद तुसी नैचुरली है 25 विच तुहाडी बी एड 26 होनी है, जिहड़ा भी 25 या 26 है लिख दिओ, कोई फर्क नहीं पैंदा, ये वेरीफाई गवर्नमेंट जॉब वालियां ने करना है सर, कोई फर्क नहीं पएगा, जे अवेलेबल 25 है तो कर दो। प्लीज़ रिप्लाई सर, ये मेरा क्वेश्चन है, केड़ा क्वेश्चन है नहीं पता लगा मैनू, सॉरी माफ़ी मंगदा, दोबारा पूछ लियो। सर परस्यूइंग ते क्लिक करन तो बाद भी पासिंग ईयर पुछ रहे हैं, कोई गल नहीं, तुसी अगला नैक्सट ईयर फिल कर दो, कोई समस्या नहीं है, तो तुहाडा पेपर हो जाना है। सेम क्वेश्चन ते तुहानू पता लगा कि ये जरूर कमेंट करियो कि 2025, कोई गल नहीं, मैं क्या घबराने की कोई गल नहीं है, तुसी 24 भर दो 25 भर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि परस्यूइंग है तुहाडा, परस्यूइंग वाले का एक तो अनसर्टन हुंदा, मैं सफ़र ते चलिया हाँ, मेरी रीपेयर होनी है, मैं टॉप करना, कुछ भी नहीं पता, दैट इज़ वाई तुसी फील कर सकते हो। सर फिजिकल एजुकेशन दी उन्हां दा चैनल दा, सर फिजिकल एजुकेशन दे सर दी आईडी दे दिओ, सिमरन सर दी, तुसी मैनू मैसेज कर दो, जिहड़ा मैं फ़ोन नंबर दिता है ना 8427458843 ते, मैं तुहानू मैसेज सेंड कर दाँगा। सर कंप्यूटर साइंस ते मैथ सब्जेक्ट कंबीनेशन च बी एड वाले कौन सा सब्जेक्ट फिलिंग, कंप्यूटर साइंस ते मैथ्स है, क्योंकि मैथ्स दे तुसी जिहड़े है 20-25 क्वेश्चन ने वह कर सकते हो, नाल साइंस दे तुहानू तैयारी करनी पैनी है, ठीक। सो बैटर है कि तुसी मैनू दूसरा तीजा सब्जेक्ट भी दसना चाहिए सी, तुहानू तुसी दस्या नहीं है, हुण जे सोशल साइंस नाल रिलेटड है तो तुसी सोशल साइंस पर फिल भी कर सकते हैं, जे वह मैथ दे नाल जां कंप्यूटर दे नाल तुसी इंग्लिश लई हुई है ना, जां पढ़िया केड़ा है सब्जेक्ट, वो तुहानू फायदा कर सकदा, क्योंकि 20-25 क्वेश्चन केड़े आने हैं उस जे सब्जेक्ट पढ़िया है, मैं तुहानू वह सुजैसट कर दाँगा, मैथ साइंस वाली ऑप्शन। सर प्लीज़ बी एड 2 ईयर स्टूडेंट के जो सैम 1 विच हैं उन्होंने पी वास्ते पी एड फॉर्म फिल करन दी वीडियो बना दो, रजे बनाई हुई है बी एड 2 ईयर वो ही आनी है, सिर्फ तुसी सैकेंड ऑप्शन जिथे 50% ते 1 साल की बी एड है वह फिल कर देना है, बाकी घबराना नहीं है। एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट ETT एंट्रेंस प्लीज़, हजे तक कोई नहीं है, कॉलेज अपने आप च करी जा रहे हैं एडमिशन, जिहड़ियां पहला रजिस्ट्रेशन करते होंगे है। मेरा 20/22 बी एड वाला बैच सी 2021 पी एस टेट क्वाली है, एग्जाम टाइम मेरा सैकेंड सैम का रिजल्ट आया सी, थर्ड सैम च मेरा एग्जाम बिल्कुल मनिया जाएगा। सर जिन्हों की ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर की है तो बी एड च टीचिंग ऑफ इंग्लिश तो टीचिंग ऑफ पंजाबी सब्जेक्ट है, तो पी एस टेट विच केड़ा सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन पढ़ने, गुड क्वेश्चन है, तुसी अपना एप्टीट्यूड देखना है कि तुसी साइंस मैथ दे अच्छे क्वेश्चन कर सकते हो या सोशल साइंस दे, होर कोई स्ट्रीम नहीं तुसी चुननी, तुसी सिर्फ इना चो चुननी है, नैचुरली मैथ नू सॉल्व करना तुहाडे लई औखा होएगा, साइंस नू करना थोड़ा होर औखा होएगा दोनों नू, सो सोशल साइंस स्ट्रीम तुसी फिल करो, ये मेरी गाइडेंस है। सर ETT एंट्रेंस कदों होना है 2024? रजे हजे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जे आई मैं जरूर देवांगा। सर जनरल कैटेगरी मेरा 47% है, ग्रेजुएशन मैं हाँ बिल्कुल भर सकते हैं, मैं क्या 40 वाले भी भर सकते हैं, इंप्रूवमेंट के तो चांस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भर सकते हैं, भरना है।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਬੀਐਡ ਫਸਟ ਸੈਮ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਸਬਜੈਕਟ SST ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ SST ਦਾ ਪੇਪਰ 2 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ SST ਸਿਰਫ ਸਟਰੀਮ ਲੈਣੀ ਹੈ, 60 ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਣੇ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੱਖਰਾ, 30 ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਜਾਣੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ SST ਸਟਰੀਮ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹੀ ਬਣਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਨੋ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ SST ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ SST ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਭਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ SST ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, BCA ਵਾਲੇ ਵੈਲਿਡ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ PSTET ਕਰ ਲਓ। ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ BEd ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਿੰਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲੋਸਫੀ ਭਰਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ SST ਭਰੋ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਹਿਸਟਰੀ, ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਕੱਲਾ SST ਦਾ ਵੀ ਬੈਚ ਚਲਾਈਏ, ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਾਂਗੇ SST ਦੀ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। CDP ਦਾ ਕੰਬਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰ, CTET ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਹੈ, 24 PSTET ਦਾ 1 ਦਸੰਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ CTET ਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਬਾ ਭਰਨੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ PSTET ਕਿਵੇਂ ਭਰੀਏ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈਟਰ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈਟਰ ਭਰੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। PSTET ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। CTET 14, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ CTET 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹ 14 ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ, ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਾਈ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ। ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ ਕਿ PU ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ BEd ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਓ। ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਡੇਟ 5 ਨਵੰਬਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ। ਸਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ 3rd SEM ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਟ ਉਸਦੀ 2nd SEM ਵਿੱਚ ਸਪਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ? ਪਲੀਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਫੀਡਬੈਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਦਾਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਛਲੇ। ਆਈ ਹੈਵ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ PA, ਜਲਦੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਲਾਡੂ।